नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट पे एंड आई एम शिवांश आज की वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कल मंडे को हम लोग कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप क्या रह सकता है ठीक है फ्राइडे के सेशन पे मैंने आप लोगों को कोई भी स्विंग ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी एंड आज जब सैट संडे है तो मंडे के लिए भी मैं कोई भी स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी अभी प्रोवाइड नहीं करवा रहा एक स्टॉक मैंने दिया है जिस पर मैंने चार्ट ऑफ द वीक पे एक सेपरेट वीडियो अपलोड करी है यूट्यूब पे एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं बट आज भी आप लोगों को मंडे के लिए इंटरा स्टॉक्स ही सजेस्ट करे जाएंगे मंडे का एक बार हम लोग बिहेवियर चेक कर ले एंड उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि कौन से स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हम लोगों को और अच्छी लगती है ओके okay? सो so, तब तक के लिए हम लोग से विंटर स्टॉक्स की बात करते हैं एंड देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और किस तरीके से लेवल से नीचे या ऊपर जा सकता है सो so, ज्यादा देरी नहीं करते हैं सीधा स्टार्ट करते हैं सो so, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग अपने चार्ट्स की तरफ आ चुके हैं सबसे पहला स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो इस स्टॉक का नाम है नारायण इस स्टॉक के अगर मैं सिंबल की बात करूं तो उसे हम लोग डोनेट करते हैं एच और एन से ठीक है एन एच अगर आप सर्च करेंगे आप लोगों को मिल जाएगा एंड uh, इस स्टॉक को मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को रिकमेंड करा था एंड कुछ लोगों के पास ऑलरेडी अभी भी होल्ड है ठीक है अगर हम बात करें अगर आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे तो मैंने इस लेवल से एक ट्रेंड लाइन डॉट्स को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करी हुई है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जितने भी लोस हैं ये कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन है इसके अलावा सारे हाइज को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी यहां पर हमने देखा था ये जो ब्रेकआउट आया था इस ब्रेकआउट पे मैंने सजेस्ट करा था आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के अंदर कि आप इस पर एक पोजिशन बाइक बना सकते हैं उसके अलावा उसके बाद हम लोगों ने एक डिप देखी ये डिप देखने के बाद अब ये स्टॉक दोबारा ऊपर गया और अपने एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस पे एंटर करा हुआ है इस रेजिस्टेंस का ये रेड कलर का एक लाइन है जो रेजिस्टेंस का, का काम कर रहा है अगर इसके ऊपर एक पंद्रह मिनट की भी क्लोजिंग हो जाती है तो एक अच्छी बाइंग इसके अंदर हमें देखने को मिल सकती है ठीक है अब पंद्रह मिनट के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं फिफ्टी मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि स्टॉक ऊपर तो गया था इसने अपने 50 इसने अपनी रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग भी दी थी उसके बाद नीचे आ गया और इस लाइन के नीचे जाके क्लोजिंग दे दिया अब किस तरीके से ट्रेड करना है तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि ये इतना जो ये फॉल आया है इसके पीछे का रीज़न क्या था और यहां से अगर ये बाउंस है तो ये जो बाउंस करा है ये लेवल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है

अगर मैं क्लोजिंग प्राइस की बात करूं तो इस पर क्लोजिंग प्राइस हुआ है अराउंड फोर थर्टी फोर रुपीज़ का सो so, हम लोग इस पर बाइंग कर सकते हैं अगर ये फोर थर्टी फाइव पॉइंट फाइव के ऊपर पंद्रह मिनट की कैंडल क्लोज़ करती है हम अपनी बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड फोर फोर्टी का एंड हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा फोर का जो कि हमारा टॉप है ओके okay? आप इस तरीके से आप लोग अपना डिसीजन लेकर इस स्टॉक के अंदर चल सकते हैं लेट्स मूव टू नेक्स्ट आई आर सी टी सी ठीक है आई आर सी टी सी ये स्टॉक मैं आप लोगों तो को सेलिंग के लिए दे रहा हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों तो को, को दिखा देता हूँ ये देखिएगा ये स्टॉक जो मैंने आप लोगों तो को, को दिया है ये स्टॉक पे अगर आप ऊपर ग्रीन वाले जोन की तरफ फोकस करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिएगा ये स्टॉक ये जो ग्रीन कलर का जोन है ये एक रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट कर रहा है यहां पर हम लोगों को रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है प्लस अगर मैं दूसरी चीज बात करूं तो यहां पर हम लोगों को एक डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है यहां पर एक डबल टॉप बना है एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूं तो एक रेजिस्टेंस लाइन आप देख रहे हैं टू बॉटम को कनेक्ट करते हुए मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन आप लोगों के लिए ड्रॉ करके रखी हुई है अब यहां पर ट्रेड किस तरीके से करना है अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी डेवलप हो रहा है अगर मैं आप लोगों तो को दिखाता हूं ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी डेवलप हुआ है ये छोटा सा हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं अगर इसके नीचे एक ब्रेकडाउन आ जाता है तो एक अच्छा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है अब यहाँ पर मैं आप लोगों तो को दिखाना चाहूंगा कि टारगेट्स कहाँ तक हो सकते हैं ठीक है सो so, हमें सेल सबसे पहले कहाँ करना है हमें वो डिसाइड करना है हमें सेल करना है बिलो थर्टीन सेवन सेवनटीन थर्टी फोर बिलो 1734 के नीचे में शॉर्ट करना है मैं करंट प्राइस की बात करूं तो 1751 है तो हम लोग 1734 के नीचे शॉर्ट करेंगे एंड हमारे जो टारगेट्स होंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वहां से सौ रुपए नीचे हो सकते हैं अब बात आती है क्या सौ रुपए का टारगेट हमें एक दिन के अंदर देखने को मिल सकता है ऑब्वियसली मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता सो so, आपको करना क्या है आपको अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो तो आप क्या कर सकते हो आप इस पर शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट बना के जाइए करंट ट्रेडे पे अगर हमारे लेवल्स आते हैं एंड वहां पर आपको 20-25 रुपए मिले सो so आप लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली कर सकते हैं बट शॉर्ट तभी करना है जब ये इस रेड लाइन के नीचे जाके क्लोजिंग करेगा एंड हम लोग अपने वहां पर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट स्टॉक आर नेक्स्ट स्टॉक इज एस्ट्रल लिमिटेड एस्ट्रल लिमिटेड की बात कर लेते हैं एंड मैं इस पर डेली चार्ट ओपन कर लेता हूँ यहां पे अगर आप देखेंगे तो मैं आप देख सकते हैं कि मैंने बॉटम से अपने सारे लोस को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा हुआ है एंड सारे टॉप्स को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन को करा हुआ है इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसने एक शार्प ब्रेकआउट देने की कोशिश करी एक शार्प कन्वर्ज आप देख रहे हैं ना ये दोनों लाइन कन्वर्ज कर रही है एक दूसरे के साथ जुड़ रही है तो जो स्पेस थी इन दोनों लाइन्स के बीच में ट्रेडिंग करने की वो कम हो गई इन दी एंड और हमें एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आइदर साइड देखने को मिलता है बट हमें देखने को मिला ब्रेकआउट सो so, यहां पर ब्रेकआउट दिया रिटेस्ट कर अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है अब अभी मैं करंट प्राइस की बात करूं तो वो ट्रेड कर रहा है 1680 रुपीस पे कितने पे ट्रेड कर रहा है 1680 रुपीस पे एक क्लियर ब्रेकआउट अगर एक क्लोजिंग मिलती है हमें सत्रह सौ के लेवल के ऊपर तो ये अच्छा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है विद इन अ कपल ऑफ डेज बट अभी हम लोग क्या कर सकते हैं अभी हम लोग पेशेंसली वेट करेंगे देखिए पे ट्रेड कर रहा है तो मैं इसके लिए पंद्रह मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूं मिनट का टाइम फ्रेम जब मैं ओपन कर रहा हूं तो हमारे लिए क्लियर लेवल आता है कि अगर सेवनटीन हंड्रेड के ऊपर जाएगा तो एक बढ़िया बाय है बट अगर बीस रुपए ऊपर जाएगा तो पता नहीं कितना ऊपर और जा सकता है हमारा स्टॉप लॉस भी ज्यादा नीचे हो जाएगा फिर तो इसमें इंट्राडे ट्रेडर कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं देखेगा ये आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देख रहे हैं जो नीचे बिल्कुल बॉटम से एक विक रिजेक्शन हमें देखने को मिला है सो so, ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है अब करना क्या है हम लोग करेंगे अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है 1683 रहे हैं ये 1690 के ऊपर जाना स्टार्ट करता है 1690 के ऊपर तो हमारा पहला टारगेट होगा सेवनटीन एंड सेवनटीन का सो so, ये दो टारगेट्स के बीच पे आप लोग अपनी पोजिशन को एग्जिट करने की कोशिश करेंगे ओके okay, बट अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है अगर कल की कैंडल मतलब मंडे को जो ओपनिंग होगी और जो कैंडल बनेगी डेली कैंडल की मैं बात कर रहा हूं अगर वो इस लाइन के ऊपर या सत्रह सौ के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो एक क्लियर ब्रेकआउट भी आया जाएगा और ये मेरे लिए फिर एक स्विंग ट्रेड का स्टॉक हो सकता है सो तो अभी इसको हम लोग वॉच करेंगे अगर आप लोग स्विंग ट्रेडर है अगर ये स्टॉक ऊपर जा रहा हो तो आप अपनी क्वांटिटीज या स्टॉक को होल्ड करके भी चल सकते हैं ओके, आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे दस रुपए का लगा सकते हैं टारगेट के लेकर चल सकते हैं okay? talk, करना प्रेफर करूंगा सबसे ज्यादा अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक लाइन बॉटम वाली दिखाना चाहता हूं आप देखेगा इस लेवल से सबसे नीचे से देखिएगा अराउंड मे ट्वेंटी से मतलब एक साल पहले की बात है मैंने एक साल पहले से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं और सारे के सारे लोस को कनेक्ट करते हुए मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है एंड यहां से एक्सटेंड हो रही है इसके अलावा मैंने एक टॉप से कनेक्ट करते हुए भी एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा है ठीक है आप लोगों को ईजी पर्स्पेक्टिव से समझाने के लिए उसके अलावा स्टॉक ने करा क्या मैं आप लोगों के लिए एक चीज और क्लियर कर देता हूँ ठीक है स्टॉक ने करा क्या एक ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देने के बाद एक स्ट्रांग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया अगर आप यहां पर देखेंगे एक स्ट्रॉ कैंडल के साथ ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक अगली कैंडल जो अगले दिन की मूवमेंट थी वो एक शार्प फॉल के साथ आई बिकॉज हमें मार्केट में भी हम लोगों ने शार्प फॉल देखे थे उसके बाद अगले दिन हम लोगों ने दोबारा एक गैप अप देखा और ऊपर जाके इसने क्लोजिंग करी है सो so, ये जो तीन कैंडल्स का क्लब है ये हमें बता रही है कि ये एक रेंज के अंदर बंद हो चुकी है ये वोल्टास का स्टॉक एक रेंज के अंदर आ चुका है मैं रेंज की बात करूं तो सबसे पहले बॉटम की बात करता हूं रेंज की जो कि नाइन सिक्सटी का है अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप है इसका हंड्रेड एंड इलेवन रुपीज हंड्रेड एंड टेन रुपीज का लेकर हंड्रेड एंड टेन के बीच में वहां पर हमारा डायरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चलते हैं कि 110 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज हो जाती है सो so, अब स्टॉक के अंदर फिर एक अपट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और ये स्टॉक और ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है अगर स्टॉक 960 के नीचे क्लोजिंग कर देता है तो वहां पर एक डाउन ट्रेंड स्टॉक के अंदर स्टार्ट हो सकता है और वहां से वो और नीचे जाना स्टार्ट कर सकता है सो so, में करना क्या है देखिए अगर मैं अभी बात करूं करंट प्राइस की तो वो ट्रेड कर रहा है थाउजेंड रुपीज पे सो so, हमारे पास एक लेवल था एक रेंज थी अब रेंज के एग्जैक्ट हायर रेंज जो है जो कि हंड्रेड थाउजेंड है एग्जैक्ट स्टॉक उसी के आसपास क्लोज करा है सो so, करना क्या है यहाँ पे अब देखिए मतलब अगर मैं एक रिस्क लेकर चलू

ठीक है आपको करना कब है वो मैं आपको बता देता हूं आपको बाय तभी करना है कल इंटर डे पे जब थाउजेंड एंड इलेवन ये देख रहे हैं ना ये रेड कलर की लाइन इस रेड कलर की लाइन के ऊपर जब पंद्रह मिनट की कैंडल क्लोज करेगी तभी आप लोगों को इसके अंदर बाय पोजिशन इनिशिएट करनी होगी आई होप आप लोग ये मेरी बात समझ गए होंगे थाउजेंड एंड टेन के ऊपर ही हम लोगों को इस पर अपनी बाय पोजिशन इनिशिएट करनी है ओके लेट्स मूव टू आर लास्ट स्टॉक जो कि है ब्रिटानिया ब्रिटानिया की बात कर लेते हैं ब्रिटानिया पे मैं डेली आप लोगों तो के लिए ओपन कर लेता हूं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ फोकस करना है, सारी lines, ये सारी ट्रेडलाइंस ये सारी चीजें भूल जाइए आप सिर्फ फोकस करिए जो ये पैटर्न बना है इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं बुलिश गाटले पैटर्न ये बुलिश गाटले पैटर्न बना है एंड यहां पर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां से स्टॉक एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है अगर मैं स्टॉक के करंट प्राइस की बात करूं तो ये ट्रेड कर रहा है 3500 पे जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है एक स्टॉक का अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है शुरुआत पे जब मार्केट ओपन होती है पांच दस मिनट भी अगर 3500 के ऊपर सस्टेन कर गया तो इस पर एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है जो कि यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टॉक को बीस से तीस रुपये और ऊपर लेकर जाने में हमारी मदद कर सकती है ओके okay, तो स्टॉक पे आप लोग अपनी पोजीशन बना सकते हैं वेट करिएगा कि इसके ऊपर रुकता है अगर पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टडी करें तो क्या मैं सजेस्ट कर रहा है वो भी देख लेते हैं ओके okay, पे हम लोगों को देखने को देखने मिल रहा है अभी मैं करंट प्राइस की बात करूं तो वो ट्रेड कर रहा है अराउंड थर्टी ठीक है यहां पर एक छोटा सा माइनर सा एक मुझे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है अगर इसके ऊपर पांच मिनट की या पंद्रह मिनट की क्लोजिंग मिलती है तो हम लोग एक बाय करके चल सकते हैं ठीक है ये रेड कलर की लाइन है अगर थर्टी फाइव हंड्रेड फाइव के ऊपर बाय कर लेंगे हमारा टारगेट होगा थर्टी फाइव ट्वेंटी से लेके 3530 रुपीज का आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था स्टॉक के अंदर ठीक है अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है सो निफ्टी पे अगर आप लोग देखेंगे मैं आप लोगों को वन आर के टाइम फ्रेम पे लेकर जाना पसंद करूंगा वन आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखना चाहेंगे ये देख रहे हैं ये एक रेंज के अंदर बहुत टाइम से निफ्टी काम कर रहा है अगर मैं रेंज का बॉटम बताऊं तो वो है 14,200 का अगर मैं रेंज के टॉप की बात करूं तो वो है फिफ्टीन थाउजेंड का एंड एग्जैक्ट उसी के आसपास ये पर्टिकुलर इंडेक्स हमारा ट्रेड कर रहा है अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिसीजन लेते हैं देखते हैं कल की जो मार्केट है मतलब आने वाले दिन की जो मार्केट है वहाँ पर हमें वेट करना है कि एक तरफ हमें क्लियर डायरेक्शन देखने को मिले ठीक है इन दी सेंस हो सकता है कि वो कल की मार्केट पे आ जाए यानी कि मेरा कहने का मक, मकसद क्या है अगर हमें मार्केट पे एक दिशा में एक साइड में मूवमेंट चाहिए आइदर इट्स गोना भी अप साइड और इट्स गोना भी डाउन साइड सो so, वो हमें चीज पता लगानी होगी अगर कल मार्केट फॉर एग्जाम्पल अभी करेंट लेवल्स पे ही ओपन होती है वो डायरेक्टली ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जा रही है हल्का सा डिप देती है फिर ऊपर जा रही है हल्का सा डिप देकर ऊपर जा रही है तो हम लोग अपना एक्जम्शन तब रखेंगे कि अब मार्केट हायर साइड में और जा सकती है अगर मार्केट रेगुलरली हम लोग देख रहे हैं मंडे के सेशन पर बार बार नीचे आ रही है तो हम लोग अपना डिसीजन कुछ और ले सकते हैं सो इसी वजह से मैंने आप लोगों को आज कोई स्विंग ट्रेड सजेस्ट नहीं करा मैंने एक स्विंग ट्रेड सजेस्ट करा है जो कि मैंने उसके लिए अलग वीडियो एक बना रखी है डेडिकेटेड आप उसे जाके देख सकते हैं वीडियो के आखिरी में आपको यहाँ शो कर जाएगी ओके सो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ट्रेड कैसे करना है ट्रेड की बात करें तो करंट प्राइस है रुपीस का अगर ये के ऊपर जाना स्टार्ट करता है ठीक है मेरी बात को ध्यान से समझिएगा रेंज थोड़ी ज्यादा है बट आप लोगों को माइंड में रखना पड़ेगा कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है हल्का सा ऊपर जाके तेजी से प्रेशर से नीचे आएगी तो आप अपने लॉसेस बुक कर पाओगे ठीक है तो इसी वजह से मैं नहीं चाहता अपने लॉसेस को बुक करो तो यहां पे आप इस बात को ध्यान रखना ठीक है क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं दो दो चीजें बताऊंगा उसको आराम से समझना सबसे पहली चीज करंट प्राइस है का हमें शॉर्ट पोजीशन दो जगह बनानी है हमें शॉर्ट पोजीशन पहली कहां बनानी है अगर ये फोर्टीन थाउजेंड सेवन थर्टी के आसपास आती है जो कि ये वाला आप जोन दिख रहे हैं इस जोन की तरफ फोकस करिए ये वाली रेंज देख रहे हैं इस रेंज पे अगर स्टॉक आता है और हम लोग देखते हैं पंद्रह मिनट के अंदर कोई एक इंडिसाइसिव कैंडल या बियरिश कैंडल बनती है इस रेंज के आसपास तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं वहां पर हम लोगों को 80 टू 90 पॉइंट्स आराम से निफ्टी के अंदर मिल सकते हैं सेकंड चीज अगर स्टॉक यहां से डायरेक्टली इंडेक्स ऊपर जा रहा होता है और यहां पर कुछ रुकता नहीं है या फिर यहां पर हम लोगों को कोई सेलिंग प्रेशर दिखता नहीं है और स्टॉक रेगुलरली ऊपर जा रहा होता है तो यहां पर हम लोग एक दूसरा मौका ढूंढेंगे शॉर्ट करने के लिए अगर यहां पर कोई एक इंडिसाइसिव कैंडल हम लोगों को देखने को मिलती है ओके okay, बट हम लोग बाय के लिए अभी नहीं जाएंगे कल हमारे लिए मार्केट मार्केट पे पे बाइंग बाइंग नहीं है पे कब है जब वन आर की कैंडल मेरी बात ध्यान से समझेगा जब एक घंटे की कैंडल 14,780 के ऊपर क्लोज करती है 14,780 के ऊपर अगर क्लोज करती है तो हम लोग अपने बाइंग के मौके सेलेक्ट कर सकते हैं बट वन आर की कैंडल ज्यादातर इंपॉर्टेंट होगी रेदर देन 15 मिनट्स की कैंडल फिफ्टीन मिनट्स के कैंडल पे आप शॉर्ट कर सकते हो इस लेवल और इस लेवल पे बट बाइंग के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा ठीक है बिकॉज अभी एक सेलिंग प्रेशर है बिकॉज आप देख सकते हैं एग्जैक्ट अपने टॉप से कंटिन्यूसली इट्स मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर सो हो सकता है कि वो इस लेवल से आए इस लेवल से आके दोबारा नीचे आ जाए और हम लोगों को और अच्छे टारगेट्स सेलिंग साइड में मिल पाए रेदर देन बाइंग साइड में आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी को अगर हम लोग चेक करें तो बैंक निफ्टी में भी एक सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है देन अगर आप देखेंगे मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूं ओके लेट मी जस्ट क्लियर दिस थिंग यस अगर आप देखेंगे देख पाएंगे यहां पर अगर आप लोग ये एक लेवल है जो कि सपोर्ट का काम कर रहा है ये एक सपोर्ट का ये एक सपोर्ट का एंड रेदर यहां पर भी सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है अब यहां पर हो क्या रहा है अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है अभी करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी का 32,160 का अगर बाय चांस हम लोग देखते हैं इन द मॉर्निंग अगर ये 32,130, 120 के नीचे जा रहा होता है और पांच मिनट की कैंडल 32,120 के नीचे क्लोजिंग दे रही होती है तो हम लोग अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं हमारा पहला टारगेट होगा थर्टी टू का एंड हमारा सेकेंड टारगेट होगा थर्टी वन का ये दो टारगेट्स हम लोग लेकर चल सकते हैं बिकॉज प्रीवियसली

एक ये ट्रेंड लाइन में और आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूं ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी थर्टी टू थाउजेंड थ्री फिफ्टी के ऊपर ही आएगा तभी आपको बाइंग के बारे में सोचना है ठीक है रेदर देन आप पांच मिनट या पंद्रह मिनट की कैंडल के साथ शॉर्ट कर सकते हैं बट बाइंग आपको वन आर की क्लोजिंग के लिए ही वेट करना पड़ेगा ओके सो आई होप मैंने आप लोगों को यहाँ पर पूरी नॉलेज प्रोवाइड करवा दी होगी और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड दिस होल वीडियो अगर आप लोग सुन रहे हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल मैं और डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते रहूंगा एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आने वाला हूँ अगर आप लोगों की स्टॉक मार्केट की जर्नी में एक वर्ड है एक ऐसा वर्ड है जो बहुत लोगों को रेगुलरली फेस करना पड़ता है और वो वर्ड को मैं ओवरकम करवाने की आपके सामने कोशिश करूंगा तो मैं वीडियो वो बनाने वाला हूं और आपके सामने आज या कल मैं वो मैं प्रेजेंट कर दूंगा सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो फर्स्टली एंड अप्लाई दैट टू योर स्टॉक मार्केट चैनल ओके सो प्लीज लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो और कमेंट सेक्शन में मैं जरूर बताएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है और इस वीडियो में अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो भी हमें आप बता सकते हैं Thank you so much, guys. Bye-bye. Have a good day.